ओ भाई देख सकते हैं, एक दोस्त सिर्फ आधार कार्ड से 4 लाख तक का लोन अप्रूव हो चुका है, वो भी 15 साल के लिए। पीएम ईजीपी से लोन कैसे ले, आप लोग काफी वीडियोस देखे होंगे लेकिन उसका सलूशन नहीं मिला होगा। पर्सनली दोस्त आज मैं अपने लिए खुद अप्लाई करने वाला हूं, तो आप लोग को पूरा अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा कि फॉर्म को भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे फॉर्म को भर सके। क्योंकि होता है कि यूट्यूब पर बहुत ढेर सारी वीडियोज देखे होंगे पीएम ईजीपी लोन से रिलेटेड कि हमें भी लोन लेना है 35 लाख का, 25 लाख का, सब कुछ मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग लोन कैसे ले सकते हैं। और सब कुछ मैटर करता है दोस्तों जो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म किस तरीके से भरते हैं। यदि आप लोग सही से फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्म तो बहुत लोग भरेंगे, बहुत यूट्यूब पर वीडियोस होंगे, लेकिन दोस्तों सही तरीका कौन सा है फॉर्म भरने का, वो तरीका आपको आज बताने वाला हूं। तो आप लोग बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे, क्योंकि यहां पर मैं एकदम 100% रियल और प्रैक्टिकल वीडियोस बनाने वाला हूं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है और कौन कौन लोग ले सकते हैं लोन, सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। तो आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मैं पहले क्लियर कर दूं दोस्त कि ऐसी वीडियो आपको पूरी YouTube पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर जो मैं बताने वाला हूं पूरा प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, तो आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्त यहां पर मैं पीएम ईजीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या कि प्राइम मिनिस्टर, यहां पर ध्यान से देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी ईजीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका। कैसे फॉर्म को भरना है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन दोस्त ये वेबसाइट का लिंक कहां से मिलेगा मैं आपको वीडियो के अंत में या बीच में कहीं पर भी बता दूंगा। तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को बस अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्त आपको तीन सेक्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर तीन सेक्शन, यहाँ पर है क्या न्यू एप्लीकेशन फॉर यूनिट, यानी अभी आप नए होंगे तो आप लोगों को यहाँ से जो एप्लीकेशन को फॉर्म को भर देना है, और रजिस्टर्ड एप्लीकेंट यहाँ पर आकर के लॉग इन कर लेंगे, और आदि आप लोग एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट होंगे तो यहाँ से आप लोग कर लेंगे। तो हमें करना है क्या, एकदम हम न्यू है जो कि हम पहली बार फॉर्म को भरने जा रहे हैं, तो हमें करना है क्या, यहाँ पर जो न्यू एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट है और यहाँ पर जो अप्लाई है, अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यदि दोस्त आपको थोड़ा सा रिजोल्यूशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो का रिजोल्यूशन को बढ़ा लीजिएगा, यानी 720 पिक्सल पर या 1080 पिक्सल पर कर लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है यह वीडियो बनाने का दोस्त कि मैं यहाँ पर मोबाइल से बता रहा हूँ, तो मोबाइल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि है क्या कि वीडियो पर तो बहुत ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर है क्या कि लोग लैपटॉप से बताने बताया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको मोबाइल से बता रहा हूँ। जो मोबाइल से आप देख रहे हैं उसी मोबाइल से फॉर्म को कैसे भरना है, और आप ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक कहाँ से मिलेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे दोस्त यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करने के पश्चात में एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात हो जाती है दोस्त कि आप फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ताकि सही तरीके से फॉर्म को भर सके और आपका लोन अप्रूव हो सके। तो आधे से ज़्यादा लोग दोस्त, यानी 90% लोग कह सकता हूँ दोस्त कि फॉर्म को सही तरीके से भरते ही नहीं है और उनका लोन अप्रूव ही नहीं होता है। तो आप लोग वो गलती ना करो, एकदम अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कैसे कैसे फॉर्म को भरना और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्या करना है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है सबसे पहला ऑप्शन ए नंबर पर आधार नंबर, यानी जो आपका अपना आधार कार्ड निकाल लीजिएगा। आधार कार्ड निकालने के पश्चात में जो नंबर होगा दोस्त यहाँ पर आप लोग भर देंगे, यहाँ पर आप लोगों को भर देना है। दोस्त यहाँ पर मैं आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, आधार नंबर तो अपना भर सकते हैं, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्त। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ एकदम समझ में आ जाएगा कैसे करना है। यहाँ पर देखेंगे EID यानी इनरोलमेंट ID, यानी यहाँ पर 24 डिजिट का, तो यानी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर EID क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा EID क्या होता है दोस्त, कि जब आप लोगों का आधार कार्ड जो होता है, आधार कार्ड नहीं बना होता उसमें पेंडिंग रहता है, तो एक रिसिप्ट मिलता है, तो यहाँ पर उसे डाल दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको डालना नहीं, आपके पास में आधार कार्ड होगा जो कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आधार कार्ड के लिए एक रिसीविंग होता है, रिसिप्ट होता है, तो उसी को यहाँ पर डालना होता है। तो यानी आपके पास में आधार कार्ड तो ऑलरेडी पहले से है, तो इस फॉर्म को, इस चीज़ को आपको करना है क्या कि इस चीज़ को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, यानी इसको आपको भरना ही नहीं है, मतलब कि इसको छोड़ देना है। हालांकि दोस्त इसका गवर्नमेंट की तरफ से क्या वीडियोज है उसको मैं भी आपको दे दूंगा। यहाँ पर देखेंगे सेकेंड नंबर में क्या आता है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यानी नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी आवेदक का नाम, यानी जो आवेदन कर रहे हैं उनका नाम क्या है, तो यानी जो यहाँ पर नाम को डाल देना है। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेलेक्ट, यानी सेलेक्ट में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सेलेक्ट में यानी आपको यदि श्री होंगे, यानी आप पुरुष होंगे तो आप लोग अपना श्री लगा दीजिएगा, महिला होंगे श्रीमती, और इसी जगह कुमार और मिस्टर, यानी इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि यानी कौन को इसके लिए, तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैं जैसे मेल होंगे यानी आप पुरुष होंगे, तो यानी आप यहाँ पर श्री लगा देंगे, तो मैं यहाँ पर श्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के पश्चात में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है दोस्त, यहाँ पर आप लोगों का अपना नाम डाल दीजिएगा। अपना नाम डालने के पश्चात जैसे कि आपका मनोज कुमार है, तो यहाँ पर मनोज कुमार
लिख देंगे। लिखा कैसे जाता है, इस पर टाइप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिखने का बॉटम आ जाएगा। तो मैं जो कि आपको एक क्लिक करके भी बता दिया, जो भी लिखना होगा उस पर क्लिक करेंगे आप लोग लिख जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप थोड़ा सा भी मिस्टेक मत करिएगा। मिस्टेक क्या करने देंगे दोस्तों कि यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार नाम, यानी जो आपका आधार कार्ड में नाम होगा सेम टू सेम नेम को यहाँ पर डालना है। यदि मिस्टेक करते हैं तो आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होता है। और जहाँ तक हो सके दोस्तों आप इंग्लिश में फॉर्म को भरिएगा। इंग्लिश में जैसे कि आपका मनोज नाम है तो MNOJ डाल देना है और KUMAR इस तरीके से आपको डाल देना है अपना नाम को। यहाँ पर अगला देखेंगे, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर क्या है, यानी स्पॉन्सरिंग एजेंसी। यानी स्पॉन्सरिंग एजेंसी में आपको क्या डालना है, काफ़ी लोग क्या बताते हैं भाई, देखिएगा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखेंगे क्लिक करेंगे तो आपके पास में तीन ऑप्शन, चार पांच ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे देखेंगे KVIC, फिर KVIB, फिर DIC, फिर यहाँ पे कलर बोर्ड या नहीं COIR बोर्ड है। तो यानी आपको कौन सा भरना है, मैं आपको एकदम पूरा क्लियर बता दूँ दोस्तों कि जैसे कि यदि आप लोग शहरी होंगे तो आपको यहाँ पर DIC, यानी यदि आप शहर से बिलोंग करते होंगे तो आपको DIC सेलेक्ट करना है। यदि आप लोग रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग इसमें से अपने अनुसार जो भी होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप लोग शहरी होंगे तो आपको कंपलसरी DIC को ही सेलेक्ट करना है। यदि आप ग्रामीण होंगे तो किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, आपको यहाँ पर अपना राज्य भरना है। राज्य ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राज्य स्टेट यानी आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो चीज़ यहाँ पर डालना है। राज्य भरने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सेलेक्ट वाला बटन है, सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी राज्य होगा उसे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो अपने अनुसार यहाँ पर अपना राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यदि आप उत्तर प्रदेश से होंगे, बिहार से होंगे, तो आप लोग अपने अनुसार भर लेंगे। यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश यहाँ पर डाल लेंगे। यहाँ पर देखेंगे ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्त, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेकेंड नंबर पर कि जिला, यानी आप अपने कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। तो जिला से करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करके आप लोग जिस भी जिले से बिलोंग करते होंगे वह जिला को अपने अनुसार चाहे जो भी होगा दोस्त एकदम बेहिचक अपने जिलों को भर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा फॉर्म को कभी मिस्टेक मत भरना। यहाँ पर आने के पश्चात जैसे जिला को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एकदम आपके सामने एकदम लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ दोस्त। यहाँ पर देखेंगे स्पॉन्सरिंग ऑफिसर ऑफिस यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आने के पश्चात यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एक टिक का बटन, इसी वाले पर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के पश्चात में थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर दिखाई देगा सेवंथ नंबर पर लीगल, यानी यहाँ पर देखेंगे लीगल टाइप यानी कानूनी प्रक्रिया में क्या भरना है। ध्यान से देखिए एकदम पूरा फॉर्म को एकदम स्टेप बाय स्टेप भरना बता रहा हूँ हर एक चीज़ को, यानी लीगल कानूनी प्रक्रिया में। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी इंडिविजुअल ही रहेगा तो आप लोग इंडिविजुअल को ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर अगला देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर है क्या कि आगे क्या है कि लिंग यानी जेंडर, अपना जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यदि आप पुरुष होंगे तो पुरुष, यदि महिला होंगे तो महिला, जैसे कि यहाँ पर पुरुष होंगे पुरुष डाल लेंगे। यदि आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि मेल होंगे तो मेल को सेलेक्ट करेंगे, यदि फीमेल होंगे फीमेल को, यदि ट्रांसजेंडर होंगे तो ट्रांसजेंडर को। तो यानी यहां पर मैं मेल को सेलेक्ट कर लेता हूं दोस्तों। मैं एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगला स्टेप क्या है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। जैसे कि यहां पर है क्या कि डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ में कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं। जैसे कि यहां पर मैं डेट ऑफ बर्थ में जो मिस्टेक होने वाली चीजें मैं बता देता हूं दोस्तों। 10 फिर यहां पर डाल देंगे, फिर यहां पर 10 और फिर मान लेते 1998 जन्मतिथि है तो 1998। लेकिन यह गलत है, देखेंगे यहाँ पर है क्या कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर फॉर्मेट क्या बोल रहा है। यहाँ ध्यान से देखिए जो मिस्टेक होती है दोस्तों, मैं आपको उस चीज़ को बता रहा हूँ, इस तरीके से फॉर्म को नहीं बनना। यहाँ पर क्या मिस्टेक था, वह बीच बीच में हाइफन नहीं था। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जैसे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर जो बीच बीच में दोस्त, इस चीज़ को आपको भर देना है। ये चीज़ कैसे आएगा, यही चीज़ काफ़ी लोगों को नहीं समझ आती और फॉर्म को मिस्टेक कर देते हैं और आपका लोन जो होता है अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर मैं करके फॉर्म को भर के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है तो मेरा जन्मतिथि मान लेते हैं कोई रेंडम मान लेते 10 है। फिर यहाँ पर आपको करना है क्या, यहाँ पर एक हाइफन बटन दिखाई देगा, इस वाले पर क्लिक कर लेंगे, चाहे ए वाला बटन पर क्लिक कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा ए वाला जैसे यहाँ पर देखेंगे 20 में आ गया ना, तो यहाँ पर फिर 10 डाल लेंगे, फिर यहाँ पर इस वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर 1998। तो यानी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एज आपका सेलेक्ट करके आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 25 ईयर्स यानी 25 साल यहाँ पर आपका एज दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से फॉर्म को भरेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो आपका फॉर्म मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक बार जूम आउट करके दिखा दूँ कि कितना फॉर्म भर चुका है। यहाँ से यहाँ तक हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है दोस्त, मेन पॉइंट अभी रह चुका है।
यहाँ पर देखेंगे दसवीं नंबर पर, अब दस नंबर पर आ गए हैं दोस्त। देखेंगे आपको अभी तक मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, अभी हमारे इस चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 100% सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आप लोग लोन को कैसे ले सकते हैं, यदि यह इस तरीके से नहीं मिलेगा क्या प्रॉब्लम आएगी दोस्त, एकदम पूरा मैं आपको लाइव अपडेट देने वाला हूँ। तो दोस्त अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। यहाँ पर देखेंगे सोशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी मतलब कि आप सोशल कैटेगरी में क्या डालेंगे। जैसे यहाँ पर है क्या सोशल कैटेगरी में, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कई ऑप्शन आ जाता है, जनरल आ जाता है, अदर बैकवर्ड कास्ट आ जाता है, शेड्यूल कास्ट आ जाता है, शेड्यूल ट्राइब आ जाता है। तो जैसे जनरल में होंगे, जैसे कि जनरल मतलब कि जो ब्राह्मण होंगे, ठाकुर होंगे, तो ये सब डालेंगे। यदि आप लोग ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी वाला अदर बैकवर्ड में डाल देंगे, तो एससी एसटी आते हैं तो नीचे वाले को फॉर्म को डाल देंगे, तो अदर बैकवर्ड में डाल दिया मैंने। यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या है कि स्पेशल कैटेगरी, यदि आपके पास में कोई स्पेशल कैटेगरी होगी, जैसे स्पेशल कैटेगरी में क्या होता है दोस्तों मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो आप स्पेशल कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा कि एक मिनट सॉरी कहाँ पर है स्पेशल कैटेगरी, हाँ इस पर है ना, हाँ स्पेशल कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्त है क्या कि मैं नॉट अप्लीकेबल हूँ, और जैसे एक्स सर्विस मैन होंगे तो उसे डाल देगी, यदि फिजिकली चैलेंज्ड होंगे यार, जैसे कि आपके पास में कोई शारीरिक अंग में प्रभावित होगा तो आप लोग फिजिकली मतलब कि चैलेंज में डाल देंगे। हिल बॉर्डर यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो यहाँ पर है क्या कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हमें करना है क्या कि यहाँ पर आप नॉट अप्लीकेबल वाले पर ही रहने देना है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी है। तो यानी आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम लोग लगभग लगभग 99% लोग ऐसे ही होंगे नॉट अप्लीकेबल वाले पर, तो आप लोग उसी को सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बात को हमारी, यहाँ पर है क्या कि शैक्षणिक योग्यता, काफ़ी लोग शैक्षणिक योग्यता कोई नहीं फॉर्म भर पाते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या होता है फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पास में तीन ऑप्शन मिलेंगे, एट्थ पास, एक अंडर एट्थ पास यानी जो आठ से कम पास हुए हैं, और एक है टेंथ पास और एक है ट्वेल्थ पास। आप लोग जो भी पास होंगे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं आपको दोस्त बता दूँ, जैसे कि यदि आप लोग आठवीं से पास हैं, यदि आप आठवीं से कम पास हैं यानी आप लोग अंडर एट्थ हैं यानी आठवीं तक नहीं पढ़े हैं, आठवीं से कम ही पढ़े हैं, तो आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा दोस्त, मात्र 10 लाख मैक्सिमम टू मैक्स 10 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। यदि दोस्त आप लोग एट्थ पास है तो आपको लोन मैक्स टू मैक्स 25 लाख तक मिल सकता है, तो आप लोग जो भी होंगे उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर मान लेते हैं ट्वेल्थ है, यहाँ पर लास्ट दिया है तो ट्वेल्थ वाला भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यानी अपने अनुसार भर लीजिएगा दोस्त। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कम्युनिकेशन यानी प्रचार पत्राचार हेतु, कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस में आप लोग क्या डालेंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस में आप लोग अपना एड्रेस को डाल देंगे, जैसे कि आपका विलेज का नाम डाल दीजिएगा, आपका जो भी होगा उसे डाल दीजिएगा, विलेज हो गया जो भी होगा, विलेज हो गया पोस्ट होगा उसे डाल दीजिएगा। डालने के पश्चात में यहाँ पर दिखाई देगा ब्लॉक का नंबर, ब्लॉक, ब्लॉक क्या होता है दोस्त, आप लोग का जो भी होता है ब्लॉक तहसील में होता है, जहाँ पर आपको जमीन का लिखा पड़ी होती है वहाँ का ब्लॉक का नाम डाल देना है। तो अपने ब्लॉक का नाम जो भी होगा यहाँ पर अपने ब्लॉक का नाम डाल दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आप लोग गलत मत भरिएगा, मैं यहाँ पर एक रैंडम डमी डाल रहा हूँ। और यहाँ पर डालने के पश्चात में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अपना जिला को सेलेक्ट करेंगे, जिला मतलब कि आप किस जिले में रहते हैं। मैं दोस्त एकदम बच्चे की तरह समझा रहा हूँ दोस्त, बस आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका जो भी जिला होगा यहाँ से अपने जिले को सेलेक्ट कर लेंगे, यदि आपको चेंज करना होगा तो यहाँ पर चेंज भी आप लोग कर सकते हैं। आपका पिन कोड यानी आपको जो भी पिन कोड होगा पिन कोड को यहाँ पर डाल लीजिएगा, मैं एक कोई भी पिन कोड यहाँ पर आराम से डाल लेता हूं, जैसे कि यहां पर पिन कोड को डाल लेता हूं, तो अपने अनुसार दोस्त डाल लीजिएगा। मैं यहां पर डमी डाला हूं। यहां पर डालने के पश्चात दोस्त यहां पर दिखाई देगा मोबाइल नंबर, पिन कोड मतलब कि आपके आसपास का जो भी आपके क्षेत्र का पिन कोड होगा वो डालिएगा। यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर को डालिएगा। ध्यान दीजिएगा मोबाइल नंबर सही और राइट रहना चाहिए। मोबाइल नंबर डालने के लिए दोस्त यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ पर बॉक्स में डाल देना है, फिर यहाँ पर जो यदि आपके पास में दो मोबाइल नंबर होगा दो डाल दीजिएगा, यदि आपके पास में एक ही होगा तो एक ही को भरिएगा, जरूरी नहीं कि कोई दोनों भरा जाए लेकिन आपको एक तो जरूर भरना है। यहाँ पर अपना मेल आई डी, मेल आई डी तो आप लोग जानते होंगे जो दोस्त @gmail.com होता है ना, वही आपका ई मेल आई डी यहाँ पर आपको डाल देना है। मेल आई डी पर आपको हमेशा कोई ना कोई अपडेट मिलती रहेगी आपके
किसी लोन से रिलेटेड कि आपका लोन अप्रूव हुआ या डिसअप्रूव हुआ या लोन को कैसे अप्रूव किया जा सकता है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो यह चीज़ आप लोग को भरना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अपना पैन नंबर, पैन कार्ड आपके पास में होगा तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आप लोग आसानी से डाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगला क्या है कि यूनिट यूनिट लोकेशन, यानी यूनिट लोकेशन में क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यूनिट लोकेशन, यानी यहाँ पर सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यदि आप लोग रूरल होंगे, रूरल मतलब अपने ग्रामीण क्षेत्र से गाँव से बिलोंग करते होंगे तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, यदि आप शहर से बिलोंग करते होंगे तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो अपने अनुसार जो भी होगा सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं रूरल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर रूरल को डाल लेंगे। जो मैं दोस्त जान मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि आपको जहाँ प्रॉब्लम हो रही है मैं उस चीज़ को जरूर से जरूर भर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेगा कि यहाँ पर प्रपोज्ड पता इकाई, यानी यहाँ पर अपना पता प्रपोज्ड इकाई डाल सकते हैं यहाँ पर, या तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अपना भर देंगे, या तो इसी पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो आपने ऊपर भरा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऊपर भरा हुआ है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी सेम टू सेम कॉपी हो जाएगी। कहाँ पर कैसे कॉपी होगा, जो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिक कॉपी होकर नीचे ऑटोमेटिक फॉर्म भर जाएगा, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि आपका अलग अलग है तो आप लोग उसी अलग अलग भर सकते हो, लेकिन मेरा सेम है, मैक्सिमम लोग का लगभग 99% लोगों का लगभग सेम ही होगा, तो आप लोग अपने अनुसार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगला क्या स्टेप है कि टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी टाइप ऑफ एक्टिविटी में क्या है कि यहाँ पर अपना जो कि टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी किस लिए लोन ले रहे हैं, तो यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस के लिए, ट्रेडिंग के लिए। कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर दो चीज़ तो आप लोग जानते हैं कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता है, सर्विस के लिए क्या, जैसे कोई कोई किसी को चीज़ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई चीज़ बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा होता है प्रोडक्ट है, लेकिन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में होता है क्या दोस्त कि कुछ लोग सोचेंगे कि जो ऑनलाइन में आज के समय जो ट्रेडिंग करते हैं लोग पैसा लगाते हैं वहाँ पर और कमाते हैं, वो चीज़ नहीं ट्रेडिंग, ट्रेडिंग है क्या एक्चुअल में मैं बता देता हूँ। जैसे कि होता है क्या कि जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, जैसे 10 रुपया का आपने प्रोडक्ट लिया, ठीक ना, आपने 10 रुपया का लिया और उसी प्रोडक्ट को आपने मात्र 12 रुपया में बेच दिया, तो आपका कितना प्रॉफिट हो गया, 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया, ये चीज़ क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग। आप लोग इसके लिए पैसा ले रहे होंगे तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मेजोरिटी लोग हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई चीज़ बनाने के लिए, कोई चीज़ खोलने के लिए, सर्विस के लिए, उसके लिए पैसा लेते हैं। आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सेलेक्ट एक्टिव इंडस्ट्री एक्टिविटी, यानी यहाँ पर आप लोग इंडस्ट्री एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे दोस्त आपका ऐसे से आ जाएगा कि आप लोग किस लिए पैसा लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखेंगे 24 पेज तक है दोस्त, तो यहाँ पे 24 एक एक दो दो पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट वाले बटन पर, यहाँ पर नेक्स्ट बटन है, इस पर क्लिक करके कि आप लोग देख सकते हैं हम किस लिए पैसा ले रहे हैं, या तो आपका यहाँ पर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर जो सर्च है सर्च वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। चलिए दोस्त मैं यहाँ पर एक कोई भी हम लोग मतलब कि यहाँ पर कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं ज्वेलरी वर्कर्स के लिए, तो यानी जो सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर जो नीचे दिखाई दे रहा ओके वाला बटन, इसी ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार मैं फॉर्म को जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि अभी तक हम लोग क्या क्या भर चुके हैं। तो दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हम लोग यहाँ तक भर चुके हैं गोल्ड माइंड से, यानी यहाँ पर, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 216 नंबर तक भर चुके हैं। अब 16 नंबर में एक पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्या डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर ज्वेलरी है तो ज्वेलरी बारे में आप लोग लिख सकते हैं 1-2 लाइन में, 3 लाइन में कि हाँ ज्वेलरी को हम लेकर कैसे क्या करेंगे, अपनी जो जो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा उसी के बारे में अपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को अच्छे से लिख देना है। अगला पॉइंट आ जाता है दोस्त कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 17 नंबर पर है क्या दोस्त, यही सबसे बड़ी पॉइंट हो जाती है, लोगों का मिस्टेक किसी जगह हो जाता है कि 17 ईडीपी ट्रेनिंग क्या होता है, ईडीपी ट्रेनिंग किया है या नहीं किया है, मैं आपको पहले यस या नो कर दे। यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में दिखाई देगा यस और नो। जैसे दोस्त नो वाले पर क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ यस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्या फॉर्म है मैं आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि ईडीपी क्या, मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ ईडीपी क्या है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि मैंने ईडीपी किया है इसलिए मैंने यस पर क्लिक किया। तो यहाँ पर क्या कि प्रशिक्षण संस्थान का नाम, और आपने जहाँ से ईडीपी किया है वहाँ उस प्रशिक्षण संस्थान का आपको नाम लिख देना है। यदि आप लोग नो सेलेक्ट करते तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है और यहाँ पर आप लोग टाइप नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको अब ईडीपी क्या बता देता हूँ, ईडीपी क्या है, यदि आप लोगों ने ईडीपी किया है तो आप लोग यस सेलेक्ट कर लेंगे और कहाँ से किया है वहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। यदि आप
आप लोग नहीं किए होंगे तो आपको यहाँ पर नो वाले पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, यहाँ पर नहीं भरने का फॉर्म आएगा। मैं आपको अच्छा एक्चुअली में ईडीपी क्या है उस चीज़ को बता देता हूँ, ताकि बहुत लोग नहीं जानते होंगे ईडीपी क्या है। मैं बता दूँ दोस्तों कि जैसे गवर्नमेंट सरकार जो होती है, गवर्नमेंट होती है तो हर जिले में मतलब कि ईडीपी प्रशिक्षण देती है। ईडीपी में होता है क्या एक्चुअल में कि आपको ईडीपी में एक्चुअली में बता दूँ तो ईडीपी क्या होता है कि यदि आप लोग गवर्नमेंट से लोन लेते हैं तो यदि आपने ईडीपी किया है तो आपका बहुत ही आसानी से आपका लोन अप्रूव हो जाता है और लोन मिल जाता है। अब ईडीपी क्यों दे देता है गवर्नमेंट लोन, अब इसका मेन रीजन क्या है कि ईडीपी में कराया क्या जाता है, ईडीपी प्रशिक्षण में होता है क्या है? तो ईडीपी में होता है क्या कि जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि जैसे मान लेते कि हम गवर्नमेंट से मान लेते एक लाख का लोन लिए, अब एक लाख का लोन लिए तो हमें क्या करना है कि एक लाख रुपए का कैसे इन्वेस्टमेंट करना वो नहीं मालूम होता है। लेकिन यदि आप लोग ईडीपी किए होंगे तो आपको इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप कहीं से भी लोन लेते हैं अपने व्यापार को किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं। और जैसे कि ईडीपी में हो गया कि आपने मान लेते एक लाख रुपया लिया तो उसको कैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग प्रॉफिट में कर सकते हैं। ऐसा नहीं भाई कि रुपए का लोन लिया और आप लोग ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिए जहां से आप लोगों को प्रॉफिट नहीं है, आपका पैसा लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट आपको लोन क्यों देगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यही चीज की, गवर्नमेंट आपको लोन क्यों देगी। तो काफी लोग इसी में परेशान हो जाते हैं भाई, नो कर देते तो उनको लोन अप्रूव होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आप लोग ईडीपी आदि किए हो तो आप लोगों को लोन तड़ाक से मिल जाएगा, क्योंकि होता है क्या कि गवर्नमेंट आपको पहले जान रही कि हाँ ये बंदा लोन लेगा तो आप ये सही जगह यूज करेगा। तो आपको यह ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि 10 से 15 दिन का चलता है, 10 से 15 दिन का चलता है, आपके हर जिला में अलग अलग जगह पर उपस्थित होता है, वहाँ से कर सकते हैं। आज के समय में तो देखता हूँ तो ऑनलाइन भी ईडीपी प्रोग्राम होता है दोस्त, ऑनलाइन आप लोग ईडीपी प्रोग्राम मतलब कि करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बहुत ही ईजिली मिल जाता है दोस्त। यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम ईडीपी को ऑनलाइन प्रोग्राम कैसे करें तो उस पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ईडीपी ट्रेनिंग फुल प्रोसेस, ईडीपी ट्रेनिंग फुल प्रोसेस, ईडीपी ट्रेनिंग फुल प्रोसेस कमेंट बॉक्स में दबा कर लिखिएगा। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग ईडीपी ट्रेनिंग को ऑनलाइन करके कैसे आप लोग आईडीपी कर सकते हैं, या ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन, या आपके जो जिला में होता है कहाँ पर होता है, सब कुछ पूरा मैं डिटेल इस पर वीडियोस बना दूंगा। यदि दोस्त मैं पहले क्लियर कर दूं, दोस्त ईडीपी आप लोग नो करते तो हो सकता है कि आपको लोन अप्रूव होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि होता है क्या जब भी लोन गवर्नमेंट से लिया जाता है तो ईडीपी ट्रेनिंग होता है क्या कि आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कि आप लोग लोन लेंगे तो जाएंगे बैंक अकाउंट में, जाने के पश्चात में होता है क्या कि वहाँ पर जो बैंक मैनेजर होते हैं आपसे कुछ सवाल करने लगते हैं, यदि आप उनके सवाल में अटक जाते हैं, उनके सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप लोग का लोन डिसअप्रूव हो जाता है। यदि आप लोग वही चीज़ ईडीपी किए हुए हैं, ध्यान दीजिए ईडीपी किए हुए हैं तो आपका लोन आप उस उनके सवालों का जवाब तड़ातड़ देते जाएंगे कि हम लोन को पैसा ले रहे हैं तो उसको हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको जो होता है बैंक मैनेजर आपको लोन दे देता है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार ऐसे फ्री में लोन मिल जाएगा, फ्री में ऐसे ऐसे मिल जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा कुछ प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट आपको मतलब कि देखेगी कि आप लोन लेने के मतलब एलिजिबल हो या ऐसे ही बस फालतू का फॉर्म भर दिए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोगों ने ईडीपी किया तो यस पर कर दीजिएगा, नहीं किया तो नो वाले पर करके आप लोग आगे बढ़ जाइएगा, सिंपल सी बात। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट कास्ट यानी यहाँ पर प्रोजेक्ट कास्ट यानी जो पैसा ले रहे हैं वो कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे पाला क्या क्या है, ध्यान से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पूंजीगत व्यय में मतलब कि आप लोग पैसा कोई भी ले रहे हैं तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं मैं एक लाख रुपया हम लोग पूंजीगत आय में खर्च कर देंगे, मान लेते हैं कि पूंजीगत आय मतलब कोई चीज़ जो होगा हम कोई भी प्रोडक्ट होगा हम लाने में उस चीज को खर्च कर देंगे। लेकिन चीज जो ही चीज होगा जो आपके पास में जो होगा कि यहां पर देखेंगे कार्यकारी पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल यानी जो हम लोग उस प्रोडक्ट को लाएंगे और उस चीज को काम करवाएंगे तो उसका लगभग कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमने 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, 20000 रुपए हम लोगों ने वर्किंग प्रोजेक्ट में खर्च हो गया, तो यहां पर ऑलरेडी यहां पर देखेंगे 120000 आप लोगों का ऑलरेडी सेलेक्ट करके आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा बात को। तो अपने अनुसार जो होगा आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा हाँ कि हम लोग 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे, ये प्रोडक्ट लाएंगे और हमारा वर्किंग यानी हम जो काम करवाएंगे उसमें कितना रुपया खर्च हो जाएगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार वाले में आप लोग यहाँ पर जितना रोजगार एम्प्लॉयमेंट में डालना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं दोस्त। तो आपको पूरा मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यदि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्त तो उसका नाम, जैसे कि आपको ये वाला नहीं समझ आ रहा तो इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और उसके आगे 19.18 पॉइंट आपको जो भी पॉइंट नहीं समझ आएगा उस पॉइंट को भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं आपको पुनः अगेन बता सकूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लोग बस देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।
अब अगली पॉइंट आ जाती है दोस्त कि बैंक का नाम, यानी जो आप लोगों ने बैंक का फॉर्म भरा है यानी जिस बैंक में पैसा लेना चाहते हो उसका नाम डालना है। तो बैंक का नाम जैसे कि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी बैंक होगा उसे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि सिटी यूनियन हो गया, SBI। एक मिनट, सर्च करने का ऑप्शन दिया है नहीं, एक मिनट, यस किधर है भाई, मान लेते इंडसलैंड वाले बैंक में, कोई भी बैंक होगा, अपना जो बैंक होगा उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के पश्चात में यहाँ पर बैंक का बैंक कोड, यानी बैंक का कोड, अपना पासबुक जो होगा पासबुक का नाम, पासबुक अपना ओपन कर लीजिएगा। IFS यानी अपने बैंक का कोड को यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बैंक का कोड डाल देंगे। कोड डालने के लिए यहाँ पर जो सेलेक्ट वाला बटन है, सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा कि आप लोग कौन सा सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर चाहे जो भी होगा दोस्त तो सेलेक्ट कर लेंगे, अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में कहां पर हैं तो वहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर मैं 20 पॉइंट पर था तो 20वें में पा जाता हूं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, देखेंगे शाखा का नाम, ये ऑलरेडी दोस्त आ जाएगा शाखा का नाम क्या है क्या है, नहीं है। तो जब यह आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब बैंक कोड में जाएंगे, बैंक कोड में जाने के पश्चात में अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, यहां पर टिक करेंगे ना तो आपका ऑलरेडी जो पीछे का बैकग्राउंड होगा दोस्त वहां पर आपका सर्च करके दिखा देगा कि आपके बैंक का क्या क्या पूरा डिटेल है। या तो आप लोग इसे एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हैं अपने अनुसार, आपका जैसे कि जो पता होगा पता को बदल लेंगे, जिला होगा जिला को बदल लेंगे, वो अपने अनुसार बदल लेंगे दोस्त। तो ध्यानपूर्वक इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यदि आप बैंक अकाउंट में मिस्टेक करेंगे तो आपका पैसा आने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा कैसे फॉर्म को भरना है। यहां पर देखेंगे कि अल्टरनेट फाइनेंशियल बैंक, यानी दूसरा फाइनेंशियल बैंक, यानी आप दूसरा डालना चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट करके दूसरों को भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वन टू यहाँ पर लाभ उठाना चाहते हैं, CGTM लाभ उठाना चाहते हैं तो यदि आप लोग यस करना चाहते हैं, हाँ लाभ उठाना चाहते हैं तो यस पर कर लेंगे, यदि नहीं उठाना चाहते तो नहीं वाले पर क्लिक कर देंगे। यहाँ फिर अगला क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्या है दोस्त कि यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि वेयर डिड यू हेयर अबाउट PMEGP, यानी जो प्रधानमंत्री जो योजना है लोन का योजना है, ये आपने कहाँ से सुना है, तो आप लोग कहाँ से सुना है। तो दोस्त आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में कई ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि वर्क ऑफ माउथ, यानी किसी से सुना है, और अवेयरनेस कहीं कैंपेन चल रहा था वहाँ से सुना है, यानी यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया से, यानी आप लोग मैक्सिमम मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया से सुनेंगे, जैसे ट्विटर पर सुने होंगे, फेसबुक पर सुने होंगे, इंस्टाग्राम पर सुने होंगे, या यूट्यूब पर सुने होंगे, या कहीं से सुने होंगे जरूर, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा सोशल मीडिया से। इसके बाद दोस्त आपको क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं एतत घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे लिए सर्वोत्तम सही है, किसी भी जानकारी है तो गलत त्रुटि असत्य पाए जाने पर किसी भी स्थिति में उचित कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। यानी इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान समझ लीजिएगा, आप लोग कोई भी गलत फॉर्म मत भरिएगा, एकदम सही भरिएगा, यदि कोई मिस्टेक होती है तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि कोई इलीगल फॉर्म मत भर दीजिएगा। आप लोग जो होगा गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पर ही फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आने के पश्चात में सेव एप्लीकेशन डाटा, सब कुछ भरने के पश्चात में सेव एप्लीकेशन एप्लीकेंट डाटा वाले फॉर्म पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी प्रोसेस होगा अपलोड करने के लिए आएगा। अपलोड करने के पश्चात में दोस्त आप लोग तुरंत का तुरंत आपके मेल आईडी पर या कुछ भी होगा जो भी अपडेट होगा दोस्त आपके मेल आईडी पर आपको अवेयर कर दिया जाएगा। दोस्त इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोस्त आप लोग या तो गूगल में आकर सर्च कर सकते हैं PMEGP लोन, सर्च करके पहली वेबसाइट पर जा सकते हैं, या तो दोस्त इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आने के पश्चात आप लोग इस फॉर्म पर आ जाएंगे और ऑफिशियल मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा तो आप लोग उसकी सहायता से आप लोग यहां पर आ सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या गूगल क्रोम में सर्च कर सकते हैं PMEGP लोन। आपको इस फॉर्म में दोस्तों जो भी प्रॉब्लम आई होगी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि आपको कुछ भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, बताने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास में दोबारा नोटिफिकेशन जाएगी, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त। एक आपसे सूचना, जो भी फॉर्म भरिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से भरिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पहचानने के लिए gov.in लास्ट में होना चाहिए और वहाँ पर भारत सरकार का लोगो को रहेगा, तो उसी वेबसाइट से भरिएगा और किसी को भी आप लोग एक रुपया भी मत दीजिएगा, और जो भी फॉर्म भरिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से भरिएगा।